टाइम टू लीव द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ जैसलमेर। बहुत मिस करूंगा इन सड़कों को। पिछले 3 दिनों से ये घर जैसा हो गया था यहाँ पर, और हॉस्टल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आया अकेले था, जा रहा हूँ बहुत सारे दोस्त बनाकर। यही ट्रैवलिंग की अच्छी बात है। सबसे ख़तरनाक मोड़, गाड़ी स्लिप अलग करती है। आखिरी का 1-2 घंटा इतना हरी में सब कुछ किया मैंने। सोचा 7-8 बजे निकलने का था, अभी 10:15 हो रही है, 3 घंटा लेट, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, रास्ता अच्छा ऐसा सुना है। काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है कि अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, पर निकलना तो ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम किसी जगह पर रुकता ही नहीं हूँ 2-3 दिन से ज़्यादा। काफ़ी मज़ा आया। ये यहाँ का खूबसूरत फोर्ट जिसे मैं कभी नहीं भूलूँगा, अलग ही वाइब इस जगह की। अभी हमें यहाँ से आना है बाड़मेर, बाड़मेर से ही अहमदाबाद का रास्ता है। तो फिलहाल अभी मुझे पेट्रोल डलाना है, कल पूरा खाली हो गया क्योंकि, और फिर पेट्रोल डला कर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। सो फाइनली पेट्रोल भी डला लिया है फुल, और अब निकलने का समय आ चुका है। वेरी एक्साइटेड ये वाली राइड के लिए, अहमदाबाद वाली, क्योंकि रास्ता काफ़ी सुंदर है ऐसा सुनने में आया है। पूरा रेगिस्तान का रास्ता है, जंगली ऊँट वगैरह देखते हैं, ऐसा नेट पर पढ़ा था मैंने, अब देखते हैं कितनी सच बात है। और दूसरा रूट है तो एक एक्साइटमेंट रहती है, और ये वाला रूट तो शायद ही मैं ज़िंदगी में कभी लूँगा, अहमदाबाद वाला। 50-60 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा जोधपुर वाले रूट से, पर चलता है। तो 146 है बाड़मेर यहाँ से, और अहमदाबाद 525 है। और अभी फ़िलहाल मैं जैसलमेर बाईपास पर हूँ। रास्ता ऐसा ही मिला तो मज़ा आ जाएगा, मिल सकता है क्योंकि आर्मी का ही रूट है पूरा, पूरी बॉर्डर से लग लग के जाऊँगा मैं पाकिस्तान बॉर्डर से। मंगल यात्रा की शुभकामनाएँ। 60 किलोमीटर्स आ चुका हूँ जैसलमेर से, और बाड़मेर अब बचा है 80 किलोमीटर। कल जैसा रोड मिला था मुझे आते वक्त लोंगेवाला से सैम्स के बीच, ये रोड इतने प्यारे हैं जो आर्मी यूज़ करती है, मतलब एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है इन पर, क्योंकि आर्मी का रास्ता है तो स्पीड ब्रेकर ही नहीं आता और पूरा खाली रहता है। तो 110-120 आराम से मेंटेन कर पा रहा हूँ। बस एक ही दिक्कत आती है इस रास्ते पर कि कभी कभी बकरियाँ हैं वो रोड पर खड़ी रहती हैं, वहीं स्पीड ब्रेक होती है, बाकी तो मस्त क्रूजिंग का मज़ा आ रहा है इस रोड पर। राइट साइड में काफ़ी सुंदर सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, मज़ा आ गया। और ये रोड इतना खूबसूरत है कि कभी कैमल्स दिख रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक इन बाड़मेर, 150 किलोमीटर हो चुके हैं, 2 घंटे लगे मुझे, मतलब 75 की स्पीड चल रही है अभी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी। चाय और कुछ खा रहा हूँ, फिर अब रुकेंगे गुजरात में रुकेंगे अब। अपना गर्मी खूब है पर मैनेज कर लूँगा, देखते हैं कितनी देर तक अहमदाबाद पहुँचते हैं आज। अब अच्छा रिफ्रेशिंग लग रहा है, थोड़ा मज़ा आ रहा है, लोग बढ़िया मिल रहे हैं यहाँ पर, एकदम राजस्थानी। उनको हिंदी इतनी आती नहीं है, मारवाड़ी चलती है यहाँ पर थोड़ी मोड़ी समझ लेते हैं। और 400 किलोमीटर बचा है अहमदाबाद। कभी कभी मन करता है यार कि 6th गियर भी होता ना इसमें तो मज़ा आ जाता। फाइनली अहमदाबाद दिखना चालू हुआ, 375 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद। सामने साइक्लोन दिखते हुए, जब हम डेजर्ट में गए थे कैंपिंग करने तब हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि इसमें इंसान भी उड़ जाता है, तो तभी आया तो नीचे बैठ जाना चाहिए। तो गाड़ी में पेट्रोल डला लिया मस्त, अब सीधे रुकेंगे अपन गुजरात में, क्रॉसिंग सेंचोर अहमदाबाद सीधे 245। तो अभी पीछे थोड़ा सा ब्रेक लिया था पानी वानी पीने के लिए, तो पता लगा कि हम गुजरात आ चुके हैं। तो गाइस वेलकम टू गुजरात। 3 किलोमीटर पहले गुजरात चालू हो गया था, और अहमदाबाद यहाँ से 200 किलोमीटर बचा है, तो 3 घंटे लगने चाहिए। 302 किलोमीटर हम आ चुके हैं जैसलमेर से। और यार बाहर कैमरा वैमरा निकाल के ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गर्मी खूब हो रही है, और ये चेक पोस्ट आ गई पुलिस की, लेट्स सी। गुजरात में भी नहीं रोका पुलिस ने, देखता भी नहीं है बाइक को तो पुलिस वाला। तो यहाँ पर पीछे एक नयारा करके कंपनी के पंप्स हैं, और रेट में काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर,
89 रुपए लीटर है पेट्रोल गुजरात में, अब 10 रुपए का फ़र्क है सीधे 10-11 रुपए। 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद और रोड ठीक हो गया है। अब गुस्से से ही बहुत बुरा रोड था पर अब तो ठीक हो गया है। 50 किलोमीटर बिफोर अहमदाबाद और अभी बस पालनपुर से लेफ्ट अहमदाबाद के लिए मुड़ना है। काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड में, अभी थोड़ा रास्ता ख़राब मिला था गुजरात में गुस्से से ही, पर अब फूल लेन आ गया है, मस्त खींच रहा हूँ मैं। कुछ नहीं, अब अहमदाबाद के आउटर पर एक होटल ले लूँगा, काम करते हैं अपन सीधा, मिलते हैं होटल में। तो फाइनली रीच्ड अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब अहमदाबाद से 5-10 किलोमीटर पहले ही रुक गया क्योंकि सिटी में घुसना नहीं चाहता था मैं ट्रैफिक में। तो काफ़ी मतलब गुजरात में इंटर करने के बाद जो दिमाग ख़राब हुआ, हालत ख़राब हो गई। इतना बेकार रोड था और डामर पे ऐसी लाइंस बनी हुई थी तो टायर भी स्लिप हो रहा था, तो बहुत ही डेंजरस रोड भी कहूँगा मैं। अगर आप जैसलमेर से आ रहे हो या जा रहे हो तो ये रूट बिल्कुल मत लेना। राजस्थान का रोड तो एकदम मस्त था, उसके बाद गुजरात में घुसते जो 12 बजे रोड की, राजस्थान में मतलब मैं 120 पे क्रूज कर रहा था आराम से। पूरा आर्मी वाला रोड था वो डेजर्ट के बीच में, बस एक दिक्कत आ रही थी वहाँ पे कि बकरियाँ खूब थी, पर वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, स्पीड अच्छी मेंटेन हुई। तो अब कल निकलना है इंदौर के लिए जो कि 412 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ मैं हूँ। तो राइड मतलब समझ गए होंगे ख़त्म हो रही है, तो राइड ख़त्म हो जाएगी कल अपनी। और अभी नहा के बस आया ही हूँ बाहर, काफ़ी अच्छा लग रहा है नहाने के बाद, पूरा धूल में ही जी रहा हूँ मैं तो इतने दिनों से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला रूट क्यों लिया, जब वो जोधपुर वाला जाते टाइम अच्छा रूट था, तो मैंने ये वाला रूट इसलिए लिया क्योंकि सेम रूट पे वापस जाने का मन नहीं था और उस साइड का भी थोड़ा मैं एक्सप्लोर करना चाहता था वो वाला रूट, इसलिए वाला रूट लिया। समझ सकते हो सेम रूट से वापस आने का सेंस नहीं, और किलोमीटर ये कुछ मुझे 50-60-70 किलोमीटर ज़्यादा पड़ा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था किलोमीटर में, तो मैंने ये वाला रूट ले लिया। और मुझे अहमदाबाद टू इंदौर का रूट भी देखना था कि कैसा है वो, तो ये छोटा सा रूम ले लिया है मैंने, 700 कुछ रुपए का पड़ा है, बाहर ही मिल गया था हाईवे पर तो बुक कर लिया। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको अहमदाबाद टू इंदौर का रूट देखना है और व्लॉग देखना है मेरा तो बिल्कुल देखना, अगला वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है इस पूरी सीरीज़ का। तो कल के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वाले रूट के लिए, एकदम मस्त 400 किलोमीटर चलाने हैं कल। कोशिश करूँगा सुबह 6-7 बजे तक निकल लूँ ताकि धूप आए उससे पहले पहुँच जाएँ अपन 12-1 बजे तक। तो बस ये आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके फीडबैक बता दो क्योंकि आपके फीडबैक से मेरा चैनल ग्रो करता है। और वीडियो यहाँ तक देख ही लिए और सीरीज भी देख ही रहे हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको लाल से ग्रे जरूर कर दो। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफर। तब तक के लिए अलविदा। फाइनली इस 9:40 और निकल चुका हूँ मैं इंदौर के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार घर जाने की, तो बहुत धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी। बाप रे अरे कितने घंटे में किया है मैंने ये पता लगेगा थोड़ी देर बाद। तो रीच्ड इंदौर इन 4 आवर्स 10 मिनट्स।